हाथी और चूहे की कहानी एक राज्य में एक राजा का शासन था हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था जहाँ राजा का जुलूस निकलने वाला था वह वा चूहा था तो छोटा सा मगर उसका गमन बहुत बड़ा था और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी राजा अपने पूरे दल बल के साथ था उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे कहीं मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था हाथी शाही था इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनती थी जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी थे। राजा का जुलूस देखने को उमंडी बीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रहे थी यह सुनकर गमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा वह हाथी को गौर से देखने लगा फिर सोचने लगा इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं मैं भी उस जैसे ही हूँ मेरे पास भी दो आंख दो कान एक नाक और चार पैर है फिर उसकी कितनी प्रशंसा क्यों उसके विशाल शरीर के कारण लंबी सुंड के कारण छोटी छोटी आंखों के कारण या जूड़ीदार जमंडी के कारण इस कारण एक बार तुम लोग मुझे देख लो उस हाथी को भूल जाओगे मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ चूहे ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नज़र उस पर पड़ गई और उसकी लाट टपक गई जुलूस छोड़ वह उसकी ओर लपकी फिर क्या था छुआ अपनी सारी भूल कर धूम दबा कर आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्य से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया छुआ उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। बाँ से बचा तो कतरना कुत्ता सामने था जो उसे देखकर गुराया। घुराया पूरी जान लगा कर वहाँ से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया उसका सारा गमंड उतर चुका था उसे समझ आ चुका था कि वह इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं सीख किसी से मात्र रूप रंग की सामान्यता हमें महान नहीं बनाती महान हमारे गुण और कार्य बनाते हैं